ये घी में मैदा को भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक, और मैदा का कलर नहीं चेंज होना चाहिए। 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे मैदा को भून लेंगे। तो ये मैंने लो फ्लेम पे मैदा को भून लिया है, इसका कलर नहीं चेंज होने दिया है। अब इसको ठंडा कर लेंगे। आज हम बनाएंगे मैदा से पेड़े। मैदा को मैंने हल्का ठंडा कर लिया है भूनने के बाद। अब इसमें डाल देंगे 1 कटोरी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर को मिलाने के बाद अब इसमें डाल देंगे चाशनी, ये 1 तार की चाशनी है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फटाफट से। अब ये सारे बैटर को हम डाल देंगे एक पन्नी में, जिसको मैंने ग्रीस कर रखा है। ये मैंने सारा बैटर डाल दिया है पन्नी पे। अब इस कुकीज़ कटर की सहायता से हम गोल गोल पेड़े काट लेंगे हल्का ठंडा होने के बाद। तो ठंडा होने के बाद मैंने कुकीज़ कटर की सहायता से ये पेड़े कट कर दिए हैं। अब इनको निकाल कर प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये मैदा से पेड़े बनकर तैयार हैं।